गाइस आपने एक ना एक बार सोचा होगा कि बस एक डिग्री ले लेता हूँ उसके बाद जिंदगी सेट है, लेकिन मिलिए श्रीकांत जिचकर से। दरअसल इन्हें इंडिया का सबसे ज्यादा क्वालिफाइड आदमी कहा जाता है क्योंकि डॉक्टर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं और एमपी भी रह चुके हैं, एक मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। और कुछ कम पड़ जाए तो इनके पास 20 डिग्रियां हैं, वो भी 42 यूनिवर्सिटी से। गाइस आप सभी ने पुष्पा मूवी तो जरूर देखी होगी और ये मूवी देखने के बाद लोग सब कुछ भूल जाएंगे लेकिन एक चीज कभी नहीं भूल पाएंगे, जी हाँ वही वायरल चप्पल वाला सीन। बट क्या आपको पता है कि जो पुष्पा का स्टाइल है जैसे कि पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, एक्चुअली में ये कोई प्री प्लान नहीं था, ना कि मूवी के स्क्रिप्ट में लिखी गई थी कि ऐसा कुछ करना है। तो फिर ये स्टाइल आया कहाँ से, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल पुष्पा फिल्म का वायरल चप्पल सीन तय नहीं था, इसी सीन के शूटिंग के दौरान एक्टर अल्लू अर्जुन का अचानक चप्पल खुल गया था, तब डायरेक्ट ने इस सूट को बिना काटे ही ऐसे ही रखने को कहा। और आज ये सीन इतना पॉपुलर हो गया कि लोग नाचते वक्त जानबूझकर अपना जूता उतार देते हैं। गाइस आपने जमीन पर चलने वाली टैक्सी तो जरूर देखा होगा, पर कभी आपने एयर टैक्सी यानी कि हवाई टैक्सी देखा है? जी हाँ, अब आप ऐसे ही टैक्सी ही हवा में उड़ती हुई टैक्सी को कुछ समय बाद अपने आसपास देख सकेंगे। दरअसल उड़ने वाली कार बनकर तैयार हो चुकी है जिसे आप खरीद भी सकते हैं। अब तक 2000 लोगों ने इस कार की बुकिंग भी कर ली है। ये कार रोड पर दौड़ने के साथ साथ हवा में भी उड़ती है। इस कार को बनाने में सैमसंग स्काई ने 14 साल खर्च कर दिए। गाइस दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी हमें शुतुरमुर्ग की याद दिलाती है और दुनिया का सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का ही होता है जिसके अंडे की लंबाई लगभग 18 सेंटीमीटर होती है। बस इतना ही नहीं, आपके जानकारी के लिए बता दें कि शुतुरमुर्ग धरती पर अकेला ऐसा जानवर है जिसकी आंखें उसकी दिमाग से भी बड़ी होती है। शुतुरमुर्ग की आंखें 2 इंच लंबी और बड़ी होती है और यही बात शुतुरमुर्ग को बाकी पक्षियों से अलग करती है। गाइस आप लोगों ने स्टैचू वगैरह तो देखे होंगे घोड़े के ऊपर किसी इंसान को बैठे हुए, लेकिन ये स्टैचू के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता है कि घोड़े का जो स्टैंडिंग पोस्चर होता है वो इंसान की मौत को दिखाता है कि वो इंसान कैसे शहीद हुआ और कैसे मरा। जैसे कि घोड़े के दोनों आगे के टांगे ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब वो इंसान वार करते करते शहीद हुआ है, और अगर घोड़े के एक टांग ऊपर की तरफ है ऐसा माना जाता है कि वो घोड़े पे बैठा इंसान वो असल में वार करते करते घायल हुए, उसके बाद जब वार खत्म हुआ उस इंसान की डेथ हुई, और अगर घोड़ा सीधा खड़ा है स्टैचू में तो ऐसा माना जाता है कि वो जो इंसान है वो एक नेचुरल डेथ के कारण मरा। गाइस क्या आपको इससे पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता था? अगर नहीं पता था तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।